हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानिस्टा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं अधिगम अशक्ति यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी की। जादुई निमोनिक्स ट्रिक्स के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं, जो कि हर शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 से 5 नंबर पक्के पूछे जाते हैं। तो ज्ञानिस्टा पर आप लोग इसको चित्रों के माध्यम से, चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफेजिया की। क्या होता है अफेजिया? आप सबसे पहले चित्र की ओर ध्यान आकर्षित कीजिए, चित्र की ओर देखिए। इसमें आपको एक चित्र में जॉनी लीवर दिख रहे हैं, जो कि एक बड़े मशहूर कॉमेडियन एक्टर है। आप देख सकते हो कि वो अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मौखिक रूप से वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते, तो इसी को अफेजिया कहा जाता है। और इसको अपने माइंड में रखने के लिए आपको क्या कहना है, जॉनी अफेजिया या डिस्फेजिया। अगर हम बात करें तो अफेजिया को हम अल्फाज से भी जोड़ सकते हैं, अल्फाज जिनके अल्फाज ठीक नहीं होते उन्हें अफेजिया भी हो जाता है। तो इस तरह से भी हम इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अलेक्सिया, क्या होता है अलेक्सिया? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति लक्स को लुक्स पढ़ रहा है, उसके पढ़ने में परेशानी हो रही है, उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। इस चित्र को हमें ध्यान रखना है कि नहाते समय, अब इसको ट्रिक्स कैसे बनानी है हमें, तो दोस्तों इसकी ट्रिक्स हमें कैसे बनानी है कि नहाते समय लक्स साबुन दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो ये नाम लिखा हुआ है लक्स वो दिखाई नहीं दे रहा है, या अपन कह सकते हैं हमें पढ़ नहीं पा रहे, हम इस नाम को पढ़ नहीं पा रहे, हम लक्स को लुक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? लुक्स। तो ये पढ़ने में जो हमें दिक्कत आ रही है वो ही क्या है दोस्तों, अलेक्सिया है, वो ही क्या है, अलेक्सिया। तो चलिए ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की। तो दोस्तों क्या होता है डिसलेक्सिया? डिसलेक्सिया में एक बच्चा जो है अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है, जैसे वो साग को वॉच पढ़ता। एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पर, आप देख सकते हो इस पिक्स को, तारे ज़मीन पर बहुत ही फेमस मूवी रही है ये। इसमें एक बच्चा होता है जिसको यही प्रॉब्लम होती है, वो अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता है। तो इस चीज़ को आपको लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा तारे डिसलेक्सिया पर। दोस्तों क्या पढ़ना पड़ेगा? तारे डिसलेक्सिया पर, ताकि ये आपको चीज़ें याद रहे कि इस बच्चे को शब्दों के साथ अक्षरों को पढ़ने में दिक्कत आ रही। तो ये क्या कहलाया था? डिसलेक्सिया। इसका संबंध किससे है? पठन विकार से। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं अप्रेक्सिया की। तो अप्रेक्सिया क्या होता है? लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है। तो अप्रेक्सिया को अगर हमें लिंक करना है कि भाई ये कैसे हमें आगे लंबे समय तक याद रहे, तो अप्रेक्सिया को हम प्रैक्टिस से जोड़ सकते हैं। किससे जोड़ सकते हैं दोस्तों? प्रैक्टिस है। तो जब प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो क्या होएगा? लिखने, चलने, टहलने की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी तो क्या हो जाएगा? अप्रैक्सिया। उसके बाद हम बात करते हैं डिसग्राफिया की। तो दोस्तों डिसग्राफिया क्या होता है? डिसग्राफिया में लिखने संबंधी समस्या और लिखावट ठीक नहीं होता है। तो डिसग्राफिया, जैसे कि हम देख रहे ग्राफ, जैसे ग्राफ हमारे सामने आता है तो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि भाई ग्राफ में हमें ये जो चीज़ें हैं, जो ये पॉइंट है, ये सही इसे हम सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं, तो इसी को हम डिसग्राफिया बोलते हैं। डिसग्राफिया यानी कि लिखने संबंधी जो प्रॉब्लम आ रही है, और इसका मूलतः कारण होता है, आप दूसरे पिक्स में देख सकते हो, हथेली का अंगुलियों के साथ कोरिलेशन सही नहीं होता है, संबंध सही नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं हम डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जैसे कि आप चित्र में देख रहे हो कि कैलकुलेटर है, और इस कैलकुलेटर क्या होता है? मैथमेटिकल वर्क को करने में काम आता है। तो डिसकैलकुलिया शब्द आते ही हमें ये ध्यान में करना है कि गणित को समझने में कठिनाई जिसमें है वो डिसकैलकुलिया कहलाता है। उसके बाद हम देखते हैं डिसथीमिया। तो डिसथीमिया क्या होता है दोस्तों? डिसथीमिया को याद करने का एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ये कि गौतम गंभीर को हमें याद करना है। बहुत ही अच्छे क्रिकेटर रहे हैं इंडियन टीम के, और दिल्ली डेयर डेविल्स के कैप्टन भी रहे IPL की टीमों में। तो अब हमें ये देखना कि गौतम डिसथीमिया यानी कि गंभीर तनाव हो जाता है इसमें, इसीलिए हम इसको गंभीर तनाव की आवश्यकता कहते हैं, और इसको याद करने के लिए हम गौतम डिसथीमिया याद करेंगे, ताकि हमें गंभीर तनाव जो है, क्योंकि गौतम गंभीर को तनाव हो जाता था जब दिल्ली डेयर डेविल्स टीम जो है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती थी। डिसमोर्फिया, दोस्तों डिसमोर्फिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति को, एक बच्चे को भ्रम हो जाता है कि वो अपनी तुलना, एक तो अपने तुलना दूसरों से करना स्टार्ट कर देता है। तो डिसमोर्फिया
कहलाता है। तो डिसमोर्फिया से संबंधित आपको एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि डिसमोर्फिया में क्या होता है दोस्तों, कि मोर को हमेशा अपने पंखों पर घमंड रहता है और उसे अपने पैरों से बहुत ही निराशा होती है कि उसके पैर बहुत क्यों गंदे हैं। तो एक दिन शिकारी कुत्ते मोर के पीछे पड़ जाते हैं। शिकारी कुत्ते के मोर के पीछे पड़ जाने के कारण मोर भागता है, भागते भागते एक झाड़ियों में फंस जाता है। तो जो सुंदर इसके पंख होते हैं उसी के कारण ये फंस जाते हैं, और जबकि इसको बचाने की कोशिश पूरे पूरे इसके पैर करते हैं। तो इसको ये भ्रम होता है कि इस मोर को भ्रम होता है कि भाई पैर हैं जो इसके कुछ काम के नहीं है। तो इसी तरह डिस्मोर्फिया में ये हो जाता है कि बच्चा जो है अपने शरीर के बाकी पार्ट्स की तुलना जो है दूसरे बच्चों के पार्ट से करने लगता है, और उसको यही भ्रम पूरे टाइम बना रहता है, जो कि अपने उसके सीखने में बहुत बड़ी बाधा डालता है। उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं कि अपने को ये जो है कितना समझ में आया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो चलिए दोस्तों इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम लोग कर लेते हैं कि मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति होने के कारण कौन सी बीमारी हमें हो जाती है, वो है अप्रैक्सिया। तो मैंने आपको बताया था कि मस्तिष्क में थोड़ी सी चोट आ जाने के कारण अप्रैक्सिया हो जाता है, और अप्रैक्सिया का कारण ये होता है कि बच्चा जो है जो चल टहल नहीं पाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि गणित को समझने की आवश्यकता क्या है। तो इधर आपका ऑप्शन नंबर टू देखिए, डिसकैलकुलिया, यानी कि गणित से संबंधी कोई भी दिक्कत आती है तो वो डिसकैलकुलिया को कहलाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्थीमिया की। तो डिस्थीमिया क्या है, गंभीर तनाव की आवश्यकता। डिस्थीमिया में मैंने आपको गंभीर डिस्थीमिया के बारे में बताया। तो उसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है। तो मैंने आपको मोर की कहानी सुनाई थी दोस्तों, तो वो डिसमोर्फिया है कि भ्रम किस में हो जाता है, और जैसे मोर को भ्रम हुआ था अपने पैरों को लेके। उसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है। तो अफेजिया, अफेजिया यानी कि अल्फाज। इसमें मैंने आपको बताया था कि जॉनी लीवर जो है वो अपनी भाषा को, अपने शब्दों को, अपने को सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। एक मूवी है जिसका नाम है आवारा पागल दीवाना, तो इससे आप उसको रिलेटेड कर सकते हो अफेजिया को। मस्तिष्क में क्षतिग्रस्त, बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को हम कहते हैं, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्ण अक्षमता को हम डिस्फेजिया कहते हैं। तो दोस्तों जब थोड़ी बहुत दिक्कत आती है बोलने में तो वो अफेजिया कहलाती है, और अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है, पूर्ण रूप से प्रॉब्लम हो जाए तो उसे डिस्फेजिया कहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है आपको समझाने, इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या दिक्कत आए तो आप ज़रूर वीडियो के अंत में कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे ज़रूरतमंदों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।